और अब हिमाचल से एक बुरी खबर। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा दिल्ली स्थित उनके आवास पर मृत पाए गए हैं। सांसद का शव उनके ही घर से फंदे में लटका मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष ने सांसद की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सांसद की मौत के चलते भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक को कैंसिल कर दिया गया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। श्री रामस्वरूप शर्मा जी का निधन का दुखद समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ। जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था। मुझे सुबह जब पता चला तो मन बहुत व्यथित हुआ। जो सोचा नहीं था, जो कभी स्वप्न में नहीं था, विद्यार्थी जीवन से मैं उनके संपर्क में था। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत के बाद हिमाचल में शोक की लहर दौड़ गई है। सांसद का शव फंदे में लटका हुआ मिला और इसके चलते भाजपा समेत दूसरे दलों के नेता भी हैरान हैं। रामस्वरूप शर्मा 2014 में पहली बार मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2019 में एक बार फिर से चुनाव जीतकर वह संसद पहुंचे थे। आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले रामस्वरूप शर्मा को उनकी सादगी के लिए जाना जाता था। सन 1958 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में जन्मे रामस्वरूप शर्मा विदेशी मामलों की संसदीय समिति का भी हिस्सा थे। अब परिवार में उनकी पत्नी और तीन बेटे हैं। पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते हम उनके काम करने के तौर तरीके को लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उदाहरण के रूप में देते थे, क्योंकि सहजता, सरलता, मिलनसार। पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरे समाज के लिए क्षति है। जो व्यवहार, संस्कार उनके जीवन में थे, वही हमें अपने जीवन में उतारना, ये हमारा एक संकल्प रहना चाहिए। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सांसद की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रामस्वरूप शर्मा की जिस तरह से मौत हुई, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने सांसद की मौत को प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का निधन का दुखद समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ, और स्वाभाविक रूप से जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इस समाचार के बाद हम सब लोग स्तब्ध भी थे, दुखी भी थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद हमने कंफर्म करने की कोशिश की और कंफर्म करने के बाद पाया गया कि भी जो भी ये घटना घटित हुई है और ये सही है। रामस्वरूप जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद के रूप में चुने गए और अब की बार उनके जीतने का बहुत बड़ा अंतर था। 4,05,000 वोटों से जीते हैं। पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते हम उनके काम करने के तौर तरीके को लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उदाहरण के रूप में देते थे, क्योंकि सहजता, सरलता, मिलनसार और हमेशा प्रवास पर रहना, दौड़ते रहना, लोगों के साथ जो संवाद और संपर्क, वो इनकी बहुत बड़ी एक विशेषता थी। और जीवन में भी सहजता थी, सरलता थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से एक कार्यकर्ता के लिए जो प्रेरणा के रूप में उनकी एक पहचान थी, उसे उस व्यक्तित्व को हम खोए हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अभी उनका जो सूचना मिली है, उनके जो डेड बॉडी को जो जहाँ उनका निवास है वहाँ से लेकर के पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। परिवार के सदस्यों का वहाँ इंतज़ार है और आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको सूचना मिल जाएगी। देखिए, अभी तक इन सारी बात को लेकर के इस तरह की बातें ध्यान में आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बताएंगी। सर, यहीं लाएंगे सर? हाँ, ऐसी परिवार की ओर से जानकारी मिली। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि सांसद रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु के बाद पूरा प्रदेश
दुखी है। उन्होंने कहा कि संसद में शोकोद्गार के बाद कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। श्री रामस्वरूप शर्मा जी हमारे लोकसभा के सांसद रहे, आज प्रातः ही जानकारी मिली कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जहां मुझे व्यक्तिगत इस बात का बहुत बड़ा दुख है। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता इस दुखदायी घटना को लेकर के क्षुब्ध है, दुखी है। आज शोकोद्गार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किए गए नेता प्रतिपक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह जी, श्री सुरेश भारद्वाज जी, वहाँ के विधायक श्रीमान राणा जी, राकेश जी ने अपने शोकोद्गार प्रस्तुत किए, मैंने भी उसमें अपने आप को शामिल किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए इस सदन ने मिल करके फैसला लिया कि आज की जो कार्रवाई है वो स्थगित की जाए और उनको मान सम्मान देने के लिए ही आज की कार्रवाई स्थगित हुई है। मुझे सुबह जब पता चला तो मन बहुत व्यथित हुआ, जो सोचा नहीं था, जो कभी स्वप्न में नहीं था। विद्यार्थी जीवन से मैं उनके संपर्क में था और जब कभी हम जोगिंदर नगर जाते थे तो अपने परिवार के रूप में हमेशा वो हमारा सहयोग करते थे, विचार की मजबूती के लिए हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहते थे और जब वो एमपी भी बन गए तो कभी उनके स्वभाव में वो बात नहीं आई कि मैं एमपी लोकसभा हो गया हूँ। वो हर व्यक्ति के अनुसार, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी केस हिसाब से बातचीत करते थे। पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, वो पूरे समाज के लिए क्षति है, परिवार के लिए क्षति तो है, पर इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो व्यवहार संस्कार उनके जीवन में थे वही हमें अपने जीवन में उतारना, ये हमारा एक संकल्प रहना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ, रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर
खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.